पता नहीं था मैं तो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद परचम हज़रत आबास उठाए रखना परचम शबीर इबादत है कोई रस्म नहीं हमेशा को आज़ादार बनाए रखना परचम हज़रत आबास सुभान अल्लाह لا فتا الا لله
سيف الله ذو الفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے پڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان سلام کے اللهم صل على محمد وآل محمد یہ راز شام کے دربار میں کھلا شام کے دربار میں کھلا زینب تیرا جہاد ہے اسلام کی بقا شام کے عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب عزا کا فرش جو تو نے بچھا دیا زینب دلوں میں ہو گئی تعمیر کربلا زینب درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد تعمیر کربلا نکال شام میں یوں حق کے راستے تو نے نکال شام میں یوں حق کے راستے تو نے یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب اس صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب صدا یہ آتی ہے دنیا کے گوشے گوشے سے نہ مٹ سکے گی تیرے بھائی کی عزا زینب یہ را فاتحہ
मैल बैत की बस्ते उजड़ गए जबरन मैल बैत की बस्ते उजड़ गए चौथे बरस पे दर से सकीना बिछड़ गई ज़ैनुल्लिबा के पाँव में जंजीर पड़ गई तब मैं जो नंगे पाँव चली सांस उखड़ गई तब मैं जो नंगे पाँव चली सांस उखड़ गई मक़्तल में शहज़ादियों का दाखला हुआ रोने न पाए थी के रवा काफिला हुआ रोने न पाई थी के रवा काफिला हुआ ज़ैनब तड़प तड़प के ये कहती थी बार बार ऐ बेकसी हुसैन के लाशे पे हो इतने में फौज से पिसरे साध ने कहा बांधो रसन से बाजुए फरजंद मुस्तफा बांधो रसन से बाजुए फरजंद मुस्तफा फिर शिमर पहले जानबे ज़ैनब रवा हुआ पीटे अहल बैत के महशर आया हुआ पीटे अहल बैत के महशर आया हुआ लेकर रसन करीब जो आया वो बज़िफ़ा गैरस कांप फारे फारे शब्बीर ने गैरस कापी ख्वार शब्बीर नेकज़ार मुँह करके कत्ल की जानिब कही ये बात ए भाई देखो बांधता है शिमर मेरे हाथ ए भाई देखो बांधता है शिमर मेरे हाथ मातम से हम फरागो जब जुल्म कीजियो फिर सबके हाथ आके तू ही बांध लीजियो फिर सबके हाथ आके तू ही बांध लीजियो ज़ैनब की बेकसी पे उसे रहम आ गया मक़्तल की सिमत जाने को फिर काफिला चला पैदा हुई ये लाश अब्बास सदा सैदानियों भतीजी से शर्मिंदा है चचा सैदानियों भतीजी से शर्मिंदा है चचा मक़्तल से रो के घर मेरे लाशे पे आईयो सके की लाश पर न सके ना को लाइयो सके की लाश पर न सके ना को लाइयो नागा सुनी सके न ले लाशे की ये सदा चारों तरफ निगाह की और माँ से यूं कहा है अम्मा जान बोल रहे हैं मेरे चचा लेते हैं मेरा नाम मैं इस प्यार के फिदा लेते हैं मेरा नाम मैं इस प्यार के फिदा तुम कत्लगाह जाओ मैं दरिया को जाऊंगे सब रोए आप और मैं वहाँ जाके रोऊंगी सब रोए आप और मैं वहाँ जाके रोऊंगी
फिर नन्न नन्न बच्चों से बोली वो नेक हो, हम झोलियो खुदा के लिए मेरा साथ दो। मेरे चचा के रोने को चलती हो तो चलो, रोकर चची पुकार के मुझको भी साथ लो, रोकर चची पुकार के मुझको भी साथ लो। मक्तल में रोए सब शहे अबरार के लिए, हम तुम सर अपना पीटे आलमदार के लिए, हम तुम सर अपना पीटे आलमदार के लिए। इस हर्फ से हुआ तन रुको बहुत आलम, एक एक अजू काम गया सर से ताकदम, करने लगे खिताब ये दरिया से दम बजा, मेरे फुरात तुझको मेरे प्यास की कसम, मेरे फुरात तुझको मेरे प्यास की कसम। शर्मिंदा हूँ मैं दुख्तरे शाए मदीना से, पानी पिया हो घर तो तू कह दे सकीना से, जब रन मैल बैठी। अली खान साहब खड़े हो गए भाई या बैठ के? बैठ के बैठिए बैठिए। थोड़ा सा क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार, छीनता था शिम्र चादर और ज़ैनब बार बार, अपने चादर के मुहाफिज को बुलाती रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। कैद में बाली सकीना को मिला बाबा का सर, कैद में बाली सकीना को मिला बाबा का सर, मुँह पे मुँह रख कर जो सोई माँ जगाती रह गई, क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला, सज गई कासिम के टुकड़ों से
इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रखकर ननिहाल। हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रखकर ननिहाल। नील रुख सारों के गाजी को दिखाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। ए मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। ए मुसलमानों तुम्हारी गैरतें क्या हो गई। तुम तमाशाई थे ज़ैनब मुँह छुपाती रह गई। क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई। मकसूद हसन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीमारी करबला के हवाले से जान सुना था। तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया। तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया। कितना बुलंद सब्र का मेयार कर दिया। कितना बुलंद सब्र का मेयार कर दिया। कोई खुशी मिली भी अगर करबला के बाद। कोई खुशी मिली भी अगर करबला के बाद। होंठों ने मुस्कुराने से इनकार कर दिया। तुमने कमाल आबिदे बीमार कर दिया। नारा सलवार। हज़रत अब्बास के हवाले से। जोरे बाजुए यदुल्लाह दिखा सकते थे। जोरे बाजुए यदुल्लाह दिखा सकते थे। दरे खैबर की तरह दश्त हिला सकते थे। दरे खैबर की तरह दश्त हिला सकते थे। एक चुल्लू में डुबोना था यजीदों का गुरूर। वरना अब्बास तो दरिया भी उठा सकते थे। वरना अब्बास तो दरिया भी उठा। नारा सलवार। सलाम के चंद शब्द। हम पर ये इनायत है शहे करबला की। हम पर ये इनायत है
शह कर्बला की हर सांस में खुशबू है शहीदान वफा की, हर सांस में खुशबू है शहीदान वफा की। शिमला जाओ, खिलते हैं उसी मिट्टी में गुलहाए अकीदत, खिलते हैं उसी मिट्टी में गुलहाए अकीदत, जिस मिट्टी में होती है नमी अश्के अज़ा की, जिस मिट्टी में होती है नमी अश्के अज़ा की, बीमार गमे सिबते पयंबर को हो क्या गम, तासीर अभी तक है वही खाके शफा की, तासीर अभी तक है वही खाके शफा की, है कोसरो तस्नीम से लबरेज ये आँखें, रोना गम सरवर में इबादत है खुदा की, है कोसरो तस्नीम से लबरेज ये आँखें, रोना गम सरवर में इबादत है खुदा की, उठा था सरे दस्त बला जुल्म का तूफान, उठा था सरे दस्त बला जुल्म का तूफान, शब्बीर के खैमों में मगर शम्मा जला की, शब्बीर के खैमों में मगर शम्मा जला की, था सामना मक्तल में हुसैन इब्ने अली का, था सामना मक्तल में हुसैन इब्ने अली का, बेरंग हुई जाती थी तस्वीर कज़ा की, बेरंग हुई जाती थी तस्वीर कज़ा की, साहिल पे नली सांस भी अब्बास ने खुल कर, साहिल पे नली सांस भी अब्बास ने खुल कर, हल्की सी नमी भी ना गवारा थी हवा की, हल्की सी नमी भी ना गवारा थी हवा की, अब्बास के चुल्लू में थी बच्चों की तमन्ना, तकदीर बनाती रही तस्वीर वफा की, हम पर ये नायत है शहे कर्बला की, हर सांस में खुशबू है शहीदान वफा की। अब मैं बिना किसी तमहीद के गुजार हूँ मौलाना इब्ने हसन साहब से कि वो आए और
एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अपने मरहूमीन और मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात और शहदाए इस्लाम सभी को नियत में रखता बिस्मिल्लाह। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يا أخي إني لم أخرج شرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وبسيره ابي علي بن ابي طالب سلام عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے کے وہ بابرکت جملے کے جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے منشور کربلا کا ذکر کیا، اہداف اور مقاصد کربلا کو بیان کیا۔ اس سے پہلے میں ان ابتدائی جملوں کی وضاحت کر چکا ہوں، بس صرف ترجمے کے طور پہ جلدی سے یہ عرض کر کے اور اپنے مطالب کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے پھر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ رات مجلس کے بعد کچھ بزرگ حضرات جو ہیں وہ جمع تھے اور وہاں پر یہ ذکر آیا کہ ایام فاطمی میں بھی ماشاءاللہ سے عشرے اور خمسے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو اس فرش عزا کے بانی ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کی شہادت کے سلسلے میں یعنی ایک مجلس یا دو مجلسیں ہو جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ مجالس کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو کیوں نہ جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے ہم پورا ایک خمسہ جو ہیں وہ رکھیں تاکہ امام کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ بیان ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے آج سے جو ہے وہ ولو موضوع وہی رہے گا اور میں اسی کو اپنا عنوان سخن قرار دوں گا، اس لیے کہ انبیاء اور رسل جتنے بھی اللہ کی طرف سے ہادی آئے سب کا ہدف سب کا مقصد ایک ہی تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نیا ہدف لے کر کے کھڑے نہیں ہوئے تھے، کوئی نیا مقصد نہیں تھا۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے یہ بات کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نیا مقصد یا نیا ہدف لے کر کے کھڑے ہوئے اور اس لیے اتنی عظیم قربانیاں دے دیں، نہیں، اسی قدیم مقصد کے لیے کہ جو مقصد انبیاء کی بعثت کا تھا، رسولوں کو بھیجے جانے کا تھا، انبیاء کے منتخب کرنے کا تھا، مقصد وہی تھے، مقاصد وہی تھے، ان مقاصد سے کوئی بھی راستہ مختلف نہیں تھا۔
क्योंकि कुरान मजीद हमें नज़र आ रहा कि आयात मुतअद्दिद आयात हैं कुरान के अंदर, इरशाद होता है वलकद अरसलना रसुलना बिलबैनाते, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ह दलीलों के साथ, बैनात कहते हैं दलीलों को, यानी हमने अपने रसूलों को लोगों की तरफ भेजा वाज़ह दलीलों के साथ, बराहीन के साथ, वानजलना माहुमुल किताबा वलमीज़ाना, और हमने उनके साथ किताबें नाजिल की और मीज़ान नाजिल की। अब ये मीज़ान के माना आम तौर पर अरबी ज़बान से जब उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं तो मीज़ान के माना तराजू के होते हैं, फरमाएं तराजू के होते हैं, क्योंकि तराजू में काम क्या होता है मीज़ान का, कि वो वज़न को सही तौर पर तोल करके बताए। तो क्या नाजिल किया, किताबें नाजिल की, किताबें क्यों नाजिल की, किताबों में क्या था, कलाम इलाही वही इलाही पैगामात इलाही वो किताबों की शक्ल में आए। ये मीज़ान क्या है, मीज़ान उलमा लिखते हैं कि मीज़ान से मुराद है कानून, और मीज़ान से मुराद है कानून, क्योंकि जो उस कानून पे पूरा उतर जाए अपनी ज़िंदगी में, समझ लीजिए उसके दीन का वज़न बिल्कुल सही है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो उस कानून पे, उस मीज़ान पे, यानी आपके आमाल को, आपके किरदार को, आपकी सीरत को, आपकी ज़िंदगी को तोलेंगे हम, कहाँ तोलेंगे, उसी कानून पर, उसी कानून पर तोला जाएगा। तो अजीज़ान गिरामी, मीज़ान नाजिल की हमने, और क्यों सब कुछ क्यों किया, अंबिया भेजे, रसूल भेजे, किताबें नाजिल की, उनके साथ मीज़ान नाजिल की, ये सब कुछ नाजिल कर दिया, इसका हदफ़ क्या मेरे महबूद, कोई तो मकसद होगा, कोई तो हदफ़ होगा, बग़ैर हदफ़ के कोई साहिब अक्ल कोई काम अंजाम नहीं देता। तो इरशाद हुआ ले यकूमन नासो बिलक़िस्त, हदफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, ये लाम लाम तालील है, यानी इल्लत क्या है रसूलों के भेजे जाने की, अंबिया को मबूस करने की, किताबें नाजिल करने की और मीज़ान को नाजिल करने की, इन सब को नाजिल करने की और इन सब के भेजे जाने की इल्लत एक है, और वो क्या है, ले यकूमन नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग अदालत के साथ अपनी ज़िंदगी में जो हैं वो क़याम करें, अदालत के साथ बिलक़िस्त, अदालत के साथ क़याम करें, यानी किसी पे जुल्म ना होने पाए। अच्छा मुझे इंसाफ से बताइए, कहाँ कुरान ने कहा मोमिनीन पे जुल्म ना होने पाए, फरमाइए ज़रा, कहाँ कुरान ने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म ना होने पाए, कहाँ कुरान ने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों पे जुल्म ना होने पाए, हमारे अंबिया और रसूलों पे ईमान लाने वालों पे जुल्म ना होने पाए, बल्कि कहा ले यकूमन नास हो, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को अदल के मुताबिक बनाएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ न साहिबान ईमान की कैद है, न इस्लाम की कैद है, जो भी इंसान है उसके लिए ये अंबिया नाजिल किए, अंबिया भेजे जा रहे हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो भी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, सबका हदफ और मकसद क्या है, सबका हदफ और मकसद है अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना और लोगों को जो है वो अदालत के रास्ते पे कायम करना, ये तमाम अंबिया का हदफ और मकसद है। अब उसी मकसद को लेकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वसीयतनामे में, अच्छा ये अहदाफ कायम कैसे होंगे कि अल्लाह का पैगाम जब आप देंगे तो बुराइयों से रोकेंगे, अच्छाइयों का हुक्म देंगे, यही तो पैगाम है खुदा का कि बुराइयों से रोकिए, अच्छाइयों का हुक्म दे दीजिए। तो जो भी नबी आया, जो भी रसूल आया, जो भी हादी आया, उसकी ज़िम्मेदारी क्या थी लोगों के तई, ज़िम्मेदारी ये थी कि वो उन्हें अल्लाह का पैगाम दें, बुराइयों से रोकें, अच्छाइयों का हुक्म दें। तो उसी को अरबी में क्या कहते हैं, इस्लामी फरीज़ा, उसी का नाम क्या है, अम्र बिल मारूफ, यानी अच्छाइयों का हुक्म देना, व नहीं अनिल मुनकर, यानी बुराइयों से रोकना। तो आदम से लेकर के खातम तक तमाम अंबिया और रसूलों का एक ही हदफ है कि इंसानों को बुराइयों से रोकें और उन्हें अच्छाइयों की तरफ जो है वो उभारें। तो ऐज़ाने गिरामी, उसी हदफ और मकसद को जो आदम से चला रहा था, उसी को लेकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। आपने कहा कि मैं इसलिए निकल खड़ा हुआ हूँ, अन आमरा बिल मारूफ़े व अनहा अनिल मुनकरे, कि मैं इस कौम के अंदर, इस उम्मत मुस्लिमा के अंदर अच्छाइयों का हुक्म दूँ और बुराइयों से रोकूँ। तो अगर जिस कौम का इमाम इसलिए निकला हो कि लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके, तो कौम को भी वही हदफ रखना चाहिए जो इमाम का हदफ था। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो अजीजान गिरामी, हमारा हदफ भी वही होना चाहिए, हमारा मकसद भी वही होना चाहिए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ था। तो कितना अच्छा होता कि हम में से हर एक अंजुमन खुशा नसीब मातमई अंजुमनों का, सही है ना, महफिलें कराने वालों का, मजलिसें कराने वालों का, लेकिन कितना अच्छा होता हर मुआशरे में एक ऐसी कमेटी, एक अंजुमन हो जाती कि जो किसी भी बुराई को देख के खामोश न रहती, अदब व एहतराम के साथ 10 आदमी उस बुराई करने वाले के पास जाते और जाने के बाद कहते कि भाई हम इस आपके इस काम से राज़ी नहीं हैं। वो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, हम आपके इस काम से राज़ी नहीं हैं। क्या 10 आदमी अगर किसी से कहें कि हम आपके इस काम से राज़ी नहीं हैं, हम आपकी इस बात से राज़ी नहीं हैं, तो क्या वो दोबारा उस काम को दोहरा सकेगा? फरमाइए, नहीं दोहरा सकेगा। तो अजीज़ाने गिरामी, जो कुरान का फरीज़ा था उसके लिए तो कोई अंजुमन तश्कील नहीं दी गई, जो अंबिया का हदफ था उसके लिए तो कोई कमेटी नहीं बनी, सही ना, कमेटियाँ बनी तो उस काम के लिए बनी कि जिसमें हमें शोहरत मिल जाए, हमारा कोई फ़ायदा हो जाए। और हमारा सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक कमेटी बना लीजिए जी, तो एक कमेटी ऐसी भी तश्कील दे लीजिए कि जो कुरान के मुताबिक हो। अब आइए, वो कमेटी कौन सी है वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। कमेटी भी कुरान ने बयान कर दी कि जी वो कमेटी कैसी हो और वह अंजुमन कैसी हो, सही ना। तो उसके लिए कुरान कहता कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, और हमारी जरा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम तो तुम्हारी शान तो ये थी कि हमने तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत बनाया था। किसके लिए? हमने तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें पैदा किया लिन्नास, लोगों के लिए। और हमारी जरा हमने तुम्हें तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया, हमने तो तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया। तो अजीज़ाने गिरामी, तुम्हारी शान ये है कि कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम एक अच्छी उम्मत हो, सही है। किस बुनियाद पे अच्छी उम्मत हो? हमने तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया है। तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो जो उम्मत और जो जमात और जो गिरोह, जो अंजुमन, जो कमेटी लोगों को बुराइयों से रोके, अच्छाइयों का हुक्म दे, उसे कुरान कह रहा है ये एक अच्छी जमात है, ये एक अच्छी उम्मत है। और सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी तारीफ कर रहा कुरान कि जी जो तामरून बिल मारूफ है व तनहून अनिल मुनकर, कि तुम जो है अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। तो किस बुनियाद पे आप अच्छी उम्मत हैं कुरान की नजर में? किस बुनियाद पे? यानी मेयार क्या है? मेयार है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अच्छा, अब जो उम्मत में से अम्र बिल मारूफ करता ही ना हो, नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को अंजाम ही ना देता हो, तो वो कुरान की नज़र में अच्छी उम्मत में शामिल नहीं, अच्छी उम्मत में शामिल नहीं है। अच्छी उम्मत कुरान की नज़र में वो है जो बुराइयों से रोके और जो अच्छाइयों का हुक्म दे। और खुदा की कसम भाई, यहीं से मैं अपना टल लूँगा जल्दी से, क्योंकि मुझे इमाम की तरफ जाना है। लेकिन क्योंकि मैंने तैयारी तो की थी इसी टॉपिक की और यही पढ़ना था मुझे, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीज़ाने गिरामी, ज़रा गौर कीजिएगा कि आप एक अच्छी उम्मत इस शर्त के साथ हैं कि आप किसी को बुराई करते हुए न देखें, उससे नाराज़गी का इजहार करें और अच्छाई करते हुए देख करके उससे खुशी का इजहार करें। अगर आप ये काम अंजाम दे रहे हैं तो एक आप जो है एक अच्छी उम्मत हैं, एक अच्छी जमात हैं, एक अच्छा गिरोह हैं, एक अच्छी अंजुमन हैं, सही है ना। और ये बुराइयों से रोकना कोई दूसरी कौमों के लिए नहीं है, ये दूसरी कौमों के लिए नहीं है, ये खुद अपने ही लिए है। क्यों? नबी करीम फरमाते हैं कि जब तुम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को तर्क कर दोगे और ये फरीजा अंजाम नहीं दोगे, तो तुम्हारे ही दरमियान से खुदावंद आलम ऐसे तुम्हारे शरीर लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा कि फिर तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे तो खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने मुआशरे के शरीर लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। जब तक तुम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करोगे, उम्मत तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने खुद अपने हाथों से क्यों अम्र बिल मारूफ के फरीदे को छोड़ दिया, नहीं अनिल मुनकर फरीदे छोड़ दिया? पहले दिन किसी ने तमाचा मारा, दूसरे दिन उसे डंडा उठा लिया, तीसरे दिन वो तलवार लेकर आ गया, चौथे दिन वो उसके हाथ में राइफल आ गई, सही है। हम डरते चले गए, हमने अपना फरीजा छोड़ दिया। जब तमाचा मारा था किसी के, तभी कह देते आपसे हम राजी नहीं हैं, आपने अच्छा नहीं किया।
और फरमाने जरा, अगर ये जुमला वहां कह दिया जाता तो ये डंडे उठाने की नौबत तो ना आती। और फरमाइए जरा, तैजाने गिरामी हमने अपना फरीजा छोड़ दिया, अब हमारी ही अंदर से एक आदमी इतना बुलंद हो गया कि वो मस्जिदों के लिए अहकाम जारी करने लगा, वो जो है वो इमाम बारगाहों के लिए कानून बनाने लगा, कौम जाए जहन्नम में, कौम कुछ भी करे, इसे कोई रोक सके तो बताओ, अगर रोक सकता तो रोक लो। समझे, एक आदमी सही है ना, एक आदमी पूरी कौम पे भारी पड़ गया, क्यों, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा खत्म हो गया। और हमारे तो एक ही आदमी भारी पड़ गया पूरी कौम के ऊपर, अब पूरी कौम है उस एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पाती, सही है ना। मैं कोई कहीं की कोई बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा, गौर फरमाइए, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा। बड़ी मुश्किल यह है, जिस मेंबर पे गुफ्तगु हो लोगों के जहन वहां से ज्यादा चले जाते हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी, ऐसा हो रहा या नहीं हो रहा, हर जगह ये हो रहा है जी, इसलिए कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, चार आदमी एक तरफ खड़े हैं, अब पूरी कौम उनसे लड़ रही है, हम यूं चाहते हैं, वो चार कहते हैं नहीं, तुम्हारी चाहत पे कोई अमल नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। गौर फरमाइए था, तो ये क्यों आई नौबत यहाँ तक, नौबत आई कि आपने असल फरीजा अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दिया। जिस दिन कोई फिरौन बनने के लिए बनी इसराइल के किसी कमजोर पे हाथ उठा रहा था, अगर बनी इसराइल का हर फर्द कह देता फिरौन से कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, हम आपके खिलाफ हैं, तो फिरौन की हिम्मत ना होती कि फिर किसी के खिलाफ तलवार उठाता। उसने तलवार उठाई, ये और दबते चले गए, वो कत्ल करने लगा, ये और दबते चले गए, एक दिन आया कि ये गुलाम बन गई पूरी कौम, वो कहने लगा अना रब्बुकुम अला जी, अना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। देख कहां तक पहुंचा दिया, कौम की खामोशी ने मखलूक को खुदा बना दिया। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कौम की खामोशी ने, गौर कीजिएगा, कौम की खामोशी ने मखलूक को खालिक बना दिया है। और फरमाने तैजाने गिरामी, ये हालतें होती हैं। अब आइए, तो जो हदफ और मकसद लेकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले हैं, वो अंबिया का हदफ है, वो रसूलों का मकसद है, लिहाजा रसूलों और अंबिया के मकसद में जो शरीक हो जाए, जो जहां शरीक हो जाए, जहां जो शरीक हो जाए इस मकसद में, इस हदफ में, बस वो वहीं कामयाब है। और फरमान, कामयाबी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपका रहने का जो है वो बंगला कितना बड़ा है, सही है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये कामयाबी की दलील नहीं है। ये दुनिया में कामयाबी के डंके पीटे जा सकते हैं कि मैंने इतने फ्लैट बना लिए, इतना का अच्छी बात है, अगर हलाल की कमाई से बनाएं तो उस पर भी दुरूद व सलाम। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और फरमाने अगर हलाल की कमाई से हैं तो उस पर भी दुरूद व सलाम, क्योंकि इस्लाम ने दौलत की मजम्मत नहीं की है। अगर इस्लाम दौलत के खिलाफ होता तो जनाब खदीजा की दौलत का कसीदा ना पढ़ता। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी, जनाब खदीजा की दौलत का कसीदा ना पढ़ता। इस्लाम ताकत व कुव्वत के खिलाफ नहीं है, इस्लाम अगर ताकत के खिलाफ होता तो फिर जिब्राइल ये कहकर ना आते कि ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, लेकिन इस्लाम ये कहता कि जब ताकत आ जाए तो हमारी राह में खर्च करो, जब दौलत आ जाए तो हमारी राह में खर्च करो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गलत इस्तेमाल नहीं, गलत इस्तेमाल के खिलाफ है इस्लाम। तो अजीजाने गिरामी, अब ये अहदाफ अगर इसमें कोई शरीक हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि नबी के ज़माने में रहे तो ही कामयाब होगा, नहीं, नबी के बाद वाले जो इस सिलसिले में, इस कारवां में शामिल हो जाएंगे वो उनसे भी बेहतर होंगे जो नबी के ज़माने में थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रिवायात हैं कि तुम ईमान लाए हो मेरे मौजज़ात देख करके, तुम ईमान लाए हो मेरी करामतें देख करके, तुम ईमान लाए हो मेरे किरदार को देख करके, मेरे अखलाक को देख करके, लेकिन एक ऐसे भी अफराद आएंगे कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ मेरी बातों को सुनेंगे और ईमान ले आएंगे, तो वो तो ईमान में तुमसे बेहतर होंगे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो मंजिले ईमान में तुमसे बेहतर होंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आज भी रसूल मौजूद है, रसूल गए नहीं है, अंबिया कोई मरने के लिए थोड़ी आए थे, सब जिंदा सही ना, अल्लाह के रसूल कोई मरने के लिए फना होने के लिए थोड़ी आए थे, सब जिंदा। तो ऐज़ाने गिरामी में आइम्मा अलैहिस्सलाम सब जिंदा, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं किसके साथ दूँ, अरे इमाम और ये अंबिया जिसकी तरफ बुला रहे थे बस उसी चीज़ का साथ दो,
गौर फरमा रहे, जिसकी तरफ ये दावत दे रहे थे उसी के साथ हो जाओ। अगर उसके साथ हो गए तो आप आदम के साथ हैं, आप नूह के साथ हैं, आप इब्राहिम के साथ हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हैं, आप हजरत अली मुर्तज़ा के साथ हैं, आप हसन मुश्तबा के साथ हैं, और आप जो हैं हुसैन के साथ हैं, करबला के साथ हैं। 1000 मरतबा करबला जाओ और करबला का किरदार जो है वो अपने किरदार में नजर ना आए तो भाई इसको करबलाई नहीं कहते, उसे करबलाई नहीं कहते। करबलाई वो है कि कहीं चाहे उसे करबला की ज्यारत नसीब हुई हो या ना हुई हो, उसका जहन भी करबलाई हो, उसका जमीर भी करबलाई हो, उसका दिमाग भी करबलाई हो, उसकी फिक्र भी करबलाई हो, जब वो करबलाई मिजाज लेकर के मुआशरे में उतर जाता है तो चाहे ज्यारत हो ना हो उसे रोज ज्यारत होती है। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम जिस हदफ को लेकर के आगे बढ़े, इमाम के बाद कितना मुश्किल था उस हदफ को लेकर के आगे बढ़ना, बाकी आइम्मा के बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए कितना मुश्किल था, सोचिए आप ज़रा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर एक महीने में एक हफ्ते के अंदर किसी मर्द मोमिन पर 4 परेशानियाँ आ जाएँ एक साथ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ज़बान पर आने लगता सही ना, मेरे माबूद मुझसे कौन सी गलती हो गई है, होता ना, ये भी शिकायत है, ये भी शिकवा है अल्लाह की बारगाह में, होता या नहीं होता, मेरे माबूद मुझसे क्या हो गया, ऐसा मेरे ही मैंने ही क्या कर दिया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक दो परेशानियों पे आदमी घबरा जाता नहीं। मुझे इंसाफ से बताइए कि आदम से लेके खातम तक कोई ऐसी जगह है कि जहाँ एक इंसान के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें पड़ी हों और उसके बावजूद वो उसी रात में शामे गरीबा में जब उसने सजदे में सर रखा तो फिर सारी रात सजदे में रहा, सुबह को सजदे से सर उठाया और ये शुक्र अदा किया कि मेरे माबूद लाख लाख शुक्र है कि अकबर तो कुर्बान हो गए तेरा दीन बच गया, मेरे बाबा तो कुर्बान हो गए तेरा दीन बच गया, तेरी शरीयत महफूज रह गई। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए तो इमाम हुसैन के लिए जो है ये कहा कि शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, क्या था, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। तो ये हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तुमने तो शहादत इमाम तक देखा, अगर उसके बाद भी थोड़ा दिक्कत की होती तो शायद ये शेर इमाम हुसैन से भी ज्यादा अगर किसी पे सादिक आता था तो वो सैयद सज्जाद पे सादिक आता था। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इमाम की जो कुर्बानियां हैं उन कुर्बानियों के बाद सैयद सज्जाद जिंदा हैं, जिंदा हैं, क्या ये ताज्जुब नहीं है, क्या ये ताज्जुब का मकाम नहीं है कि जिसके भांजे भतीजे बेटे जिसके जो हैं वो चचा सब कत्ल कर दिए गए, कोई बाकी ना रहा हो मर्दों में और वो यक्को तन्हा हो और ऐसे आलम में वो अल्लाह की इबादत कर रहा हो, शुक्र खुदा अदा कर रहा हो। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी हसासियत के साथ कहा कि तुम करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं है? दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, जुल्म तो इतना हुआ कि रूह भी जख्मी हो गई, जिस्म तो छोड़िए रूह भी जख्मी हो गई, जुल्म तो इतना हुआ अहले बैत पर बिलखसूस सैयद सज्जाद पर। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, उस जुल्म के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो सब्र था वो जुल्म पे गालिब आ गया, सब्र जुल्म पे गालिब आ गया। इसीलिए हमसे कहा गया वकूनू मा साबिरीन, कि तुम साबिरीन के साथ हो जाओ, गौर फरमाए साबिरीन के साथ हो, क्या मतलब कि जब अल्लाह की राह में इतनी ज्यादा परेशानियां भी आ जाएं तो तुम्हें सब्र करते हुए नजर आना चाहिए। तो अजी तो ये साबिरीन की जमात करबला के बाहर तो कोई नजर नहीं आती, बस एक करबला ही है कि जहां पूरी जमात है सब्र करने वालों की, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें गुलाम भी हैं, जिसमें कनीजे भी हैं, जो सब सब्र करके बता रहे हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसा जुल्म कि जुल्म कहता था करो आह कि जल जाए जहां, इतना जुल्म सोच नहीं सकता इंसान करबला के वाकये के सिलसिले में। जुल्म कहता था करो आह कि जल जाए जहां, सब्र कहता था नहीं सैयद सज्जाद नहीं।
ये थे हमारे और आपके इमाम। 38 हिजरी में आपकी विलादत बसादत हुई, 38 हिजरी में आपकी विलादत बसादत, 38 हिजरी का ज़माना आपके सामने, ये जंगे सिफीन के बिल्कुल बाद का एकदम ख़त्म होने का ज़माना, जब जंगे सिफीन ख़त्म हुई है, 37 में जंगे सिफीन हुई है, 38 में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत है, और आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तीन बेटे खुदा ने दिए जो करबला तक मौजूद रहे, और भी बेटों का जिक्र है तारीख में, लेकिन एक बेटे हैं जाफ़र के नाम से शायद लिखा बाज़ उलमा ने, उनकी जो है वफ़ात पहले ही हो गई थी, करबला से बहुत पहले हो गई थी। तो तीन बेटे दिए खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और बेटियाँ जी ज़रा कोई बोल दे सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, इतने घबराए हुए न रहिए। तीन बेटियां थी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तीन हैं, क्या करें मजबूरी ना, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। तो हमारे यहाँ तीन हैं, आपने कहा ना दो, इसलिए मैंने कहा नहीं तीन हैं, एक बार और सलात पढ़ लें मोहम्मद वाले। हो सकता कैप्टन साहब की रिवायत उस उन रिवायात पे नज़र चली गई हो, कहीं देख लिया हो, सही है कि जहाँ कुछ उलमा ने मुहक्किकीन ने ये लिख दिया है कि दो ही बेटियाँ थी, सही ना, तो मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रहा हूँ, वो भी मुहक्किकीन के नज़र में वहाँ भी वो एक बहस इख्तलाफी है, लेकिन यहाँ इस इख्तलाफी बहस को छेड़ना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि असल पैगाम देना सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नज़र है उन चीज़ों पर, ऐसा नहीं, सलात पढ़े मोहम्मद वाले। पर बिनाए कौले मशहूर तीन बेटियाँ तीन बेटे, तीनों बेटों के नाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अच्छा ये दौर कैसा है, ये दौर है अमीर शाम की हुकूमत का दौर। अमीर शाम की हुकूमत में क्या हुआ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा शुरू हुआ, सबो शतम शुरू हुआ, लानो तान शुरू हुआ, 70,000 मिंबरों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जाने लगा, ये सब कुछ हो रहा था ना। तो यही तो दौर था जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत है, जिसमें जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत है। तो लिहाजा इस दौर से गुजर रहे थे इमाम कि हर मिंबर पे जो है बनु उमय्या लानत कर रहे थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर, आपको बुरा भला कह रहे थे। इस सूरत में एक बेटे की जिम्मेदारी क्या हो सकती थी, और मासूम बेटा, बेटा भी मासूम, इमाम अल्लाह का मुंतखब करदा, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी। तो लिहाजा मेरे मौला ने अपने तीनों बेटों के नाम अली के नाम पर रखे, गौर फरमाइए ज़रा, तीनों बेटों के नाम अली के नाम पे, अपने बाप हज़रत अली के नाम पे रखे, और तीनों बेटियों। अच्छा ये दौर बड़ा ख़तरनाक दौर था, यही दौर था जिसमें रिवायात बन रही थी, यही दौर था जिसमें जो है बाकायदा शाम के अंदर फैक्ट्रियां बना दी गई थी रिवायात की, वज़ रिवायात हो रहा था, रिवायात बनाई जा रही थी। तो लिहाजा जनाब ज़हरा के मुकाबले में भी जो है वो कुछ ख़वातीन को खड़ा किया जा रहा था झूठी रिवायतों के ज़रिए, सही ना, खड़ा किया जा रहा था। तो लिहाजा मेरे मौला ने यह एहतमाम किया कि अपनी तीनों बेटियों के नाम जनाबे फातिमा जहरा के नाम पे रखे, पर फरमाइए तीनों बेटों के नाम जनाबे मौलाए कायनात के नाम पे, तीनों बेटियों के नाम जनाबे फातिमा जहरा के नाम पे। अब ज़रा सा तफसीली बयान मैं इसमें कर दूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी क्या है जी, अली। हमारे आइम्मा में चार अली हैं, सही ना, हमारे आइम्मा में चार अली हैं, इमामों के दरमियान चार अली, चार के नाम अली हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी अली है नाम, बाप का नाम हुसैन, तो अली इब्नुल हुसैन। जब आप अरबी किताबें पढ़ेंगे और नाम की बात आएगी तो वहाँ लिखा होगा अली इब्नुल हुसैन, क्योंकि नाम है अली और लकब है ज़ैनुल आबिदीन, लकब है सैयदुस साजिदीन। पर भैया ये अलकाब अलग हैं, ज़की, तकी, नकी, वो एक अलग बहस, वो अलकाब की बहस है। तो अज़ीज़ाने गिरामी आपका नाम रखा अली, दूसरे बेटे का नाम रखा अली, अली उल अकबर, तीसरे बेटे का नाम रखा अली, वो कौन है, अली उल असगर। अब वहाँ कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मौलाना अब्दुल्लाह रज़ी का क्या मतलब है, यानी अल्लाह का वो बंदा जो अभी दूध पी रहा था, वो नाम नहीं है, सही ना, वो एक सिन का बयान है कि किस सिन में थे वो करबला के मैदान में, इसलिए कहा गया अब्दुल्लाह रज़ी। रज़ी कहते हैं अरबी में दूध पीते हुए बच्चे को, और अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा जो अभी दूध पी रहा था जब कुर्बान हुआ, जब अल्लाह की राह में शहीद किया गया। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो सिन का बयान करने के लिए वो लफ्ज लाया गया, रिवायात में कहीं कहीं लिखा गया पूरा मकातिल के अंदर अब्दुल्ला रज़ी की शहादत,
तो अब्दुल्लाह रजी की शहादत से मुराद, नाम वहां नहीं जिक्र किया, यानी दूध पीते बच्चे की शहादत। और फरमान तो अजीजान गिरामी, तीनों के नाम अली रखे, इधर बेटियों में फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, फातिमा रुकैया। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का नाम फातिमा रुकैया था, फातिमा रुकैया, सकीना नहीं था। सकीना तो लकब था, जिसे आप निकनेम कहते हैं, वो था जनाब सकीना के लिए, असल नाम था फातिमा। तो तीनों बेटों के नाम अली और तीनों बेटियों के नाम अपनी माँ जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा पर रखे। अजीजाने गिरामी, एक रोज़ मरवान से मुलाकात हो गई और यहीं से कन्फ्यूज़न भी हो गया तारीख में कि जी बड़े अली कौन हैं और छोटे अली कौन हैं। और फरमाइए ज़रा, बड़े अली कौन हैं इमाम हुसैन की औलाद में और छोटे अली कौन हैं? इसलिए कि अली उल अकबर कहा गया उन्हें जिनकी उम्र मुबारक, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अली उल अकबर जिनकी उम्र मुबारक 18 साल है, और अली उल इमाम ज़ैनुलाबिदीन अली इब्नुल हुसैन कौन हैं जिनकी उम्र जो करबला में 22 या 23 साल है, और अली उल असगर। तो ये अकबर और असगर यहाँ तो बिल्कुल सही है, और फरमाइए अकबर और असगर में समझ में आ रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो पहले अली हैं अली इब्नुल हुसैन, उनसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो अगर छोटे अगर बड़े हैं तो फिर अकबर छोटे को क्यों कहा गया। और भाई जरा अच्छा, सारे अपने तमाम शिया उलमा ने जहां जनाब अली अकबर का जिक्र किया है तो अकबर के साथ ही किया, लफ्ज़ अकबर ही के साथ किया। तो इससे भी एक बात जहन में आती है कि अरब उलमा ये पैगाम देने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हैं कि जनाब अली अकबर बड़े अली थे, सही ना, अपने भाइयों में बड़े थे। बहरहाल ये उनकी तरफ, और उन्होंने तहकीकें भी की हैं, लेकिन वो तहकीक का हमारा मजमा मुतहम्मिल नहीं होता है, लिहाजा उसकी तरफ नहीं जा रहा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, कुछ रिवायात से जो है वो ज़रूरी अंदाज़ा होता है कि जो अरब उलमा कह रहे हैं उसमें भी यकीनन कोई ना कोई वजह है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे मदीने से, मरवान की हुकूमत का ज़माना था, यानी ये चीफ मिनिस्टर था मरवान, मदीने का हाकिम था बनू मैया की तरफ से। तो जब गुजर रहे थे तो ये उलमा अहले सुन्नत की रिवायत है, उलमा अहले सुन्नत की बयान करदा रिवायात को, नकल करदा रिवायात को वैसे ही सुनना चाहिए कि जैसे हम सुन्नी भाइयों को सुनते हैं, उसे इस हैसियत से नहीं देखना चाहिए कि यहाँ अकीदे से टकरा रही, क्योंकि वो हमारी रिवायत नहीं है, वो उनकी बयान करता है। इसके लिए भी जहन को आमादा रखना चाहिए, जब रिवायत में ये आ जाए कि उलमा अहले सुन्नत लिखते हैं तो उसके लिए आमादा रहना चाहिए, खतीब के ऊपर उसके उसमें कोई इत्तेहाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप गुजर रहे थे मरवान, ये मालूम ये वो था कि जिसको इसको और इसके बाप को जो है नबी करीम ने मदीना बद्र करा दिया था, याद है ना, तारीख में ये मौजूद है, मदीना बद्र करा, खलीफा सोबुम ने रिश्तेदारी की बुनियाद पे वापस बुला लिया नबी की मुखालफत करते हुए, सही ना, वापस बुला लिया, तमाम उलमा अहले सुन्नत ने लिखा। तो अजीजाने गिरामी, मरवान खड़ा हुआ था, इमाम गुजर रहे थे, बच्चे थे, तो एक मर्तबा कहने लगा, बेटा तुम कौन हो, किसके बेटे हो? तो एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु, देखिए अहले सुन्नत की रिवायत, फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, अहले सुन्नत ने इस रिवायत को नकल किया, अहले तशय्यों ने नहीं नकल किया। तो इज़ाने गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरा नाम अली है, मैं हुसैन का बेटा हूँ, अली इब्नुल हुसैन हूँ। बस जैसे ही कहा अली इब्नुल हुसैन है, तो मरवान के जो जुमले हैं उनसे पता चल रहा है कि यकीनन कोई ये राज तो है यहाँ। मरवान ने पलट करके ये कहा कि हुसैन को क्या हो गया, तुम्हारे बाप को क्या हो गया कि जिस बेटे का देखो उसका नाम अली रख देते हैं? और हमारे यानी हर बेटे का, जो भी बेटा होता उनके यहां उसका नाम अली रख देते हैं, तो इसका मतलब अगर पहले ही बेटे होते, और हमारे अगर पहले ही बेटे होते तो ये कहने के लिए कोई मौका महल तो था नहीं कि तुम्हारे बाप हुसैन को क्या हो गया, हर बेटे का नाम अली रख देते हैं। तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा अली हजरत इमाम हुसैन के घर में नाम मौजूद थे बेटों के, तभी तो उसने कहा। अब रिवायत तो खामोश हो गई कि सैयद सज्जाद खामोश हो गए, बच्चे थे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन क्योंकि रिवायत अहले सुन्नत की है, हमारा अकीदा कहता कि बच्चे ज़रूर थे लेकिन कमसिन होने के साथ साथ मनसब इलाही इमामत पे भी तो फाइज थे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ पे लगने वाले इल्ज़ाम को
उसकी सफाई पेश कर सकते हैं गहवारे की मंजिल में है। भाई गहवारे की मंजिल में जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ पे जो इत्तेहाम लगा तोहमत लगी उसकी सफाई पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं इन्नी अब्दुल्लाह व अतानी अल किताब व जालनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब अता की गई है और मुझे नबी बना के भेजा गया है। तो गहवारे में तो कोई कह सकता अपनी माँ की इसमत को साबित करने के लिए, तो क्या 4-5 साल का बच्चा मरवान को जवाब नहीं दे सकता अपने बाप की जो है वो इस अपने बाप के मिशन को साबित करने के लिए? तो यकीनन कोई जवाब दिया होगा, लेकिन क्योंकि उनके लिए मुनासिब नहीं था उस जवाब को लिखना। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उनके लिए मुनासिब नहीं था उस जवाब को लिखना, लेकिन हाँ वो खामोश नहीं हुई रिवायत और आगे बढ़ गई। अब जो ये फर्जंद इमाम हुसैन अपने घर आए तो आने के बाद अपने बाबा से कहा, बाबा आज ऐसे ऐसे मरवान से मुलाकात हुई और मरवान ने मुझसे ये कहा। तो एक मरतबा इमाम ने कहा, बेटा अगर अब की बार, वो बताना चाहते थे कि उनके यहाँ जो इमामत का अकीदा है वो बचपने के साथ जो है वो मैच नहीं करता, और भाई तो इसलिए उन्होंने उस जवाब को इमाम से मंसूब ना करके उस जवाब को इमाम हुसैन की जबान से दिलवाया ताकि यहाँ बचपने में इमामत साबित ना हो सके। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि यहाँ इमामत वाली कैफियत साबित ना हो सके। बच्चा खामोश हो गया। जब इमाम की खिदमत में आए तो पूछ कहा कि बाबा ऐसे ऐसे मरवान से मुलाकात हुई, मरवान ने मुझसे ये सवाल किया, मैंने ये जवाब दिया। तो मरवान ने कहा तुम्हारे बाप को क्या हो गया जिसका देखो अली नाम रख देते हैं? तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, बेटा अगर आइंदा मुलाकात हो और मरवान इस तरह की गुफ्तगू करे तो मरवान से कहना कि तुम्हारी कोशिशें ये हैं कि इस दुनिया में अली का नाम मौजूद ना रहे, और मेरा बाबा ये चाहता है कि इस दुनिया से अली का नाम मिटने ना पाए। अगर ये तो 3 हैं, अगर खुदा मुझे 40 बेटे भी देता तो मैं सबके नाम अपने बाप अली के नाम पे रख देता। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर खुदावंदे आलम मुझे 40 बेटे भी अता करता तो मैं सबके नाम अपने बाप हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम पे रख देता। तो इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे। कौन चाहेगा जो साहेब हक हो, कौन चाहेगा कि जहाँ से हक शुरू हुआ हो और जो हक का मुदाफे हो, हक का दिफा करने वाला हो, उसका नाम मिटाया जाए? सही। तो अज़ीज़ाने गिरामी, सबके नाम आपने अपने बाबा के नाम पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम पर रखे, और इसी तरह बेटियों के नाम भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर रखे। अब आइए, बस ये बचपने में तो यही वाक़ियात मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वाक़ियात का जिक्र नहीं है, लेकिन यह कि मैं आज आपको उलमा अहले सुन्नत के कुछ अक़वाल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अहमियत क्या है। मैंने कल एक जुमला कहा था कि हमारे यहाँ अकीदे में, ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे यहाँ आइम्मा अलैहिस्सलाम अकीदे में मासूम हैं और अहले सुन्नत के यहाँ नतीजे में मासूम हैं। पता नहीं बात पहुँची अभी, गौर किया आपने? मैंने बहुत ही आसानी से जुमला कह दिया क्योंकि मुझे कोई फन खिताबत दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार सलात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजाने गिरामी, हमारे यहाँ अकीदे में मासूम हैं और अहले सुन्नत के यहाँ नतीजे में मासूम हैं। अच्छा, अकीदे के मासूम को साबित करने की जरूरत पड़ती है, भैया जो अकीदे में मासूम हो उस इस्मत को साबित करने के लिए हमें दलीलें देना पड़ेंगी, हमें जो है बराहीन कायम करना पड़ेंगे, लेकिन जो नतीजे जिंदगी में मासूम हो उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। जरा वो कहते हैं कि जी कभी इनसे कोई गलती नहीं हुई, तो भाई जो तुम नतीजे जिंदगी में बता रहे हो वही हम अकीदे में बता रहे हैं, बस तुम्हें अकीदा पसंद नहीं है, नतीजे में दोनों एक हैं। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद, नतीजे में हम दोनों एक हैं। एक बार और सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजाने गिरामी, हम नतीजे में सुन्नी शिया दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आले रसूल से कभी कोई मासियत, कभी कोई गलती, कभी कोई खता उनसे सरजद नहीं हुई। तो अजीजों, नतीजे का मासूम ज्यादा कवी है, और नतीजे जिंदगी में जो मासूम हो वो ज्यादा कवी है।
सही ना। तो इज़ाने गिरामी जब ये चीज़ साबित है कि इनसे कभी कोई गलती नहीं हुई, और हम ये समझते हैं कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ और सिर्फ शिया उलमा ने लिखा है, उन्होंने फ़ज़ाइल बयान किए, नहीं ऐसा नहीं है। खुद उलमा अहले सुन्नत ने भी अपने यानी बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत ने भी जो वो आपके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, हज़रत अली से लेकर के और इमाम हसन अस्करी हत्ता इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ तक, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ तक सबका जिक्र उलमा अहले सुन्नत ने किया है। और एक बात और अर्ज कर दूं, और वो ये कि लफ्ज़ इमाम किसी सहाबी के साथ नहीं आया, गौर फरमाइएगा तरह, लफ्ज़ इमाम का इस्तेमाल किसी सहाबी के साथ नहीं हुआ, और लफ्ज़ वसी का इस्तेमाल पूरी तारीख उठा के देख लो, सीरत की किताबें उठा करके देख लो, किसी को वसी नहीं लिखा गया और किसी को इमाम नहीं लिखा गया। सिर्फ और सिर्फ अगर इमाम लिखा गया तो या अली को लिखा गया या औलादे अली को लिखा गया। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इज़ाने गिरामी इमाम सिर्फ अली को, हजरत अली अलैहिस्सलाम को और औलादे इमाम अली अलैहिस्सलाम को लिखा गया, इसके अलावा किसी और को सहाबी को इमाम नहीं लिखा गया। एक बार और सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अब आइए मैं कुछ अक़वाल आपके सामने उलमा अहले सुन्नत के, जल्दी जल्दी, बुजुर्ग उलमा हैं, कोई मामूली उलमा नहीं है ये, मैं मामूली उलमा को पढ़ता ही नहीं हूँ, पढ़ता ही उनको हूँ कि जिनकी कोई हैसियत हो, सही है, उनको पढ़ के फ़ायदा ही किया कि जिसको कोई ये कह दे कि ये हमारा ऐसे छोटा मोटा कोई आलिम था। तो इज़ाने गिरामी आइए, 38 हिजरी को खुद उलमा अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि 38 हिजरी में आपकी विलादत बा सआदत हुई हज़रत अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की। इब्न खुलकान ये एक बहुत बड़ा मौरख गुजरा है, इब्ने खुलकान अहले सुन्नत का, वो ये लिखता वो कानत विलादत हो यौमुल जुमा फी बाज शहूर सना समान व सलासीन अलिल हिजरा, 38 हिजरी में आपकी किसी महीने में, उसने महीने का मुय्यन नहीं किया जबकि हमारे यहाँ उलमा ने शाबान माह शाबान को मुय्यन किया है। बहरहाल लेकिन वो इस बात पर मुत्तफिक हैं उलमा अहले सुन्नत के विलादत में भी कोई इख्तिलाफ, सन विलादत में कोई इख्तिलाफ सुन्नी शियों के दरमियान नहीं है। अब उसके बाद अली इब्नुल हुसैन यही आगे लिख रहे हैं कि अली इब्नुल हुसैन रहमहुल्ला मिन के बारे उलमाए अहली सुन्ना वल जमाआ। वाकई ये अब आप कहेंगे मौलाना ये आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सुन्नी थे, अरे सुन्नी उलमा में से थे? नहीं, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जब कोई शख्सियत उस कमाल और मेराज पर पहुँच जाए, सही है ना, कि जहां तफरके और फिरके बंदी खत्म हो जाए, गौर फरमाइए जरा, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई शिया आलिम को कोई सुन्नी आलिम नहीं कहेगा, कभी नहीं लिखेगा कि हमारे आलिम थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इब्ने खुलकान लिख रहे हैं कि अली इब्नुल हुसैन रहमहुल्ला, अली इब्नुल हुसैन जो है खुदा उन पर रहमत नाजिल करे, मिन के बारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमाआ, उलमाए अहले सुन्नत में बड़े उलमाए अहले सुन्नत में से एक थे, बुजुर्ग उलमाए अहले सुन्नत में से एक थे। अब पता नहीं कि ये अहले सुन्नत का लफ्ज वल जमा के साथ जो इस्तेमाल किया है ये इस माना में किया कि जो फिरका है सुन्नत वल जमा, या इस माना में किया है कि सुन्नत रसूल के इमाम थे। सलात अले मोहम्मद वाले मोहम्मद जी, सुन्नत, क्योंकि वहां सुन्नत रसूल भी तो है ना, तो सुन्नत रसूल के इमाम थे। तो अज़ीज़ाने गिरामी ये इब्ने खुलकान लिख रहे हैं, और उसके बाद वह हुवा मिन फाज़िल अहले बैत नबी। अच्छा ये भी नहीं कि कोई और ज़ैनुल आबिदीन है, ये कोई और अली इब्न हुसैन है, नहीं, कह रहे हैं मिन अफाज़िल अहले बैत नबी, ये अहले बैत नबुव्वत में अफाज़िल में से थे, साहिबान कमाल में से थे, बासलाहियत अफराद में से थे, अहले बैत में। इसका मतलब ये कि इन्हें भी मालूम है कि औलाद अली सहाबा और ताबेईन में नहीं है। भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में जो दूसरा तबका आया है वो उसे ताबेईन कहा जाता, तो कह रहे हैं फी ज़मान ताबेईन, थे ज़माना ताबेईन ही का था, सहाबा का नहीं था ज़माना, गौर फरमाइए जरा। लेकिन ये ना कहा, ये नहीं लिखा कि वमिन ताबेईन, कि ये भी ताबेईन में से थे।
इन्हें मालूम है कि ताबईन में से वो होगा जो सहाबा की औलाद में से होगा, अहले बैत की औलाद में से कोई ताबईन में नहीं होगा। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्योंकि ये अहले बैत में से हैं तो इसे इनको नहीं लिखा कि मिन ताबईन, ताबईन में कमी नफाज ही अहले बैत नबी, नबी करीम के बुजुर्ग तरीन अफराद में से, अहले बैत के बुजुर्ग अफराद में से थे। इमाम ज़ोहरी, ये शख्स जरा इसको भी तवज्जो सुनिएगा, इमाम ज़ोहरी, इनका नाम है मोहम्मद इब्ने शहाब ज़ोहरी, मोहम्मद इब्ने शहाब ज़ोहरी। भाई 10 मिनट लूंगा ताहिर भाई, ये बस ये बयान जल्दी से मैं मुकम्मल कर, सलात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ज़ोहरी, ये बनू मैया के नमखारों में एक ऐसा नाम है, इमाम ज़ोहरी का ऐसा नाम है इस इंसान का बनू मैया के नमखारों में, कि इसने सैकड़ों हदीसें माविया के कहने पर और माविया के बाद वालों के कहने पर जो है वो हजरत अली के खिलाफ कर दी। हत्ता कि यहाँ तक रिवायत लिख दी कि नबी करीम के पास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अली अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो नबी करीम ने फरमाया ये जो दोनों अभी गए यानी हजरत अली नाऊज़ बिल्लाह खाकम बदैन और जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये मेरे दीन के अलावा मरेंगे। जबकि उम्मत में किसी का अकीदा नहीं, हत्ता नासिबी का भी अकीदा नहीं कि हजरत अली दीन इस्लाम पे नहीं थे। तो इस आदमी ने ये काम किया, बनू मैया के नमखारों में से था, लेकिन हाँ बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की करामात से ये भी कहीं ना कहीं मोहिब्बाने अहले बैत में शामिल हो गया। कैसे शामिल हुआ? मक्के आया हुआ था हज करने के लिए, और अज़ीज़ाने गिरामी से एक बड़ी बड़ी गलती हो गई, बड़ा गुनाह हो गया। इसने जिस इंसान को सज़ा देनी थी उसे इतनी ज़्यादा सज़ा दी ताज़ियानों की, इतनी ज़्यादा सज़ा दिलवाई कि वो इंसान मर गया। जब मर गया तो इसे एहसास हुआ कि मुझे इतनी सज़ा नहीं दी, इस हुक्म में, इस हदूद में इतनी सज़ा नहीं थी जितनी मैंने दिलवा दी, सही ना? बस ये कि बनू मैया की ख्वाहिशात पे अमल करते हुए। तो इज़ाने गिरामी वो सज़ा तो दिलवा दी, बाद में एहसास जो है तड़पाने लगा। तो कहते हैं कि जंगलों की राह ले ली, 9 साल जंगलों में गुजारे इस आदमी ने, मोहम्मद इब्ने शहाब ज़ोहरी ने 9 साल जंगलों की ज़िंदगी गुजारी। और जब जंगलों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक गया और अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगा, तो एक रोज़ जब हज के अय्याम में आया है कि यहाँ आकर के तौबा करूँ खाना काबा के करीब, तो हज के अय्याम में आने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो इमाम ने फरमाया, ज़ोहरी क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए? देखिए कितना बड़ा गुनहगार है, लेकिन इमाम किसे कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से इमाम होता, वो अपनी दुश्मनियां नहीं निकालता बल्कि जो जहन्नम में जा रहा होता है उसे हिदायत करके जन्नती बनाता है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसे कहते हैं इमाम। तो कहा कि ज़ोहरी, ज़ोहरी क्या तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए? मैंने सुना है तुम 9 साल से जंगलों की ज़िंदगी गुजार रहे हो, अहलो अयाल को छोड़ चुके हो। तो कहा कि हाँ फरदंदे रसूल ऐसा ही है, मैं जंगलों की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या कहा कि क्यों? कहा कि मुझे उम्मीद नहीं। कहा कि एक बात बताओ, रहमत खुदा बड़ी है या तुम्हारा गुनाह? फरमाइएगा ज़रा, रहमत खुदा बंदे आलम बड़ी है या तुम्हारा गुनाह बड़ा है? तो कहने लगे नहीं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। भाई यहीं से फिक्र बदल गई ज़ोहरी की कि ये बात कोई कह ही नहीं सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया हो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा फरजंदे रसूल मैं तो उम्मीद खो चुका था, लेकिन आज आपने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी। और ये दिन था और इसके बाद से ये शख्स जो है आहिस्ता आहिस्ता इमाम के चाहने वालों में शुमार होने लगा और फिर इमाम के शागिर्दों में शुमार हो गया। और याद रखिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों से जब मजलिसें बाहर आईं, और भाई ज़रा अहले बैत के घरों में तो पहले दिन से मजलिसें थीं, फर्श आज़ा था। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों से जब मजलिसें उनके घरों से बाहर आईं, तो सबसे पहले अगर किसी घर में मजलिस आई तो वो इमाम ज़ोहरी के घर में आई। और फरमाइए सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहला मजलिस करने वाला शख्स है ये अपने घर में। जब ये मोहब्बत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में शरसार हो गया तो उसके बाद इसने अपने घर में मजलिस की। और वो वाकया इसी के लिए है कि इमाम ने इमाम से कहा फरदंदे रसूल में बेटी की शादी करना चाहता हूँ, यही था वो मोहम्मद इब्ने शहाब ज़ोहरी, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फरदंदे रसूल कैसे मुमकिन है कि बेटी की शादी आपकी शिरकत के बगैर कर दूँ? आपको शरीक होना होगा। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा नहीं, करबला के बाद हमने शादियों में शिरकत छोड़ दी है, हम खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं करते। तो ज़ोहरी ने कहा मौला सही है, अगर आपका हुक्म है शादी हो गई
तो इमाम ने तमन्ना जाहिर की थी, अगर तुम कभी हमारे बाबा की मजलिस करोगे तो ज़रूर शरीक होंगे, ज़रूर तुम्हारे घर पे आएंगे। तो ऐज़ाने गिरामी, इसने शादी के बाद फिर मजलिस मुनाकिद की तो इमाम को बुलाया, फरदंदे रसूल मैं अपने बाबा आपके बाबा की मजलिस मुनाकिद कर रहा हूँ। तो इमाम इसके घर में आए, पहली मजलिस अहले बैत के घर के बाहर हुई तो इसी मोहम्मद ज़ोहरी के घर पर हुई। एक बार सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैंने इसका जिक्र आपके सामने कर दिया, बस ये मुख्तसर सा जिक्र हो गया, जरा सुनिए गौर से। कहता है मा राय तो करशियन अफजल मिन अली इब्न हुसैन, मैंने कुरैश में, कुरैश एक कबीला नहीं है, कुरैश यानी जितने कबीले मक्के के अंदर थे तकरीबन सब कुरैश में थे, तो कहते हैं कि मैंने करशियों में कुरैश में किसी को अली इब्न हुसैन से बेहतर नहीं देखा। राय तो सही है कि मा राय तो करशियन अफजल मिन अली इब्न हुसैन, मैंने किसी भी करशी को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से अफजल बरतर नहीं देखा। मैं कहूँगा ज़ोहरी तूने किसी और को अहले बैत में से देखा ही कहाँ, तूने अहले बैत में से किसी को देखा ही कहाँ, तूने एक ही फर्द को देखा था और वही सबसे बेहतर है। अगर तू अली को देखता तो यही कहता, हसन को देखता तो यही कहता, हुसैन को देखता तो यही कहता, क्योंकि जो भी जिस जमाने में अहले बैत के अफराद को देखता रहा, जो तू कह रहा सैयद सज्जाद के लिए, वो अपने अपने जमाने के अहले बैत के अफराद के लिए कहते रहे। सलातो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इमाम मालिक, इमाम मालिक अहले सुन्नत के चार इमामों में से एक इमाम है, लिहाजा जल्दी से इनका कॉल भी जरा सुन लीजिए। इमाम मालिक क्या कहते हैं देखिए, हमें लगता है कि बस शिया फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, नहीं, आप ज़रा सा अहले सुन्नत की किताबें तो उठाइए, मेहनत कीजिए तो आपको वहाँ मिलेगा कि उन्होंने कैसे फ़ज़ाइल बयान किए हैं। तो कहते हैं इमाम मालिक कि लम यकुन फी अहले बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लो अली इब्न हुसैन, लम यकुन, किसकी किसके लिए कह रहा, अहले बैत रसूल में भी कोई ऐसा न था। इमाम मालिक कह रहे हैं अहले बैत रसूल में भी कोई ऐसा न था कि जो अली इब्न हुसैन के जैसा हो सकता। वरना फैजाने गिरामी ये तारीफ कर रहे हैं खुद उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा अहले सुन्नत। उसके बाद एक शख्स और है जिसे हम शेखुल इस्लाम का लकब दिया मुसलमानों ने, शेखुल इस्लाम, इसकी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है अरबी जबान में मिनहाजुस सुन्ना, कि जहाँ इसने तमाम तर फ़ज़ाइल अहले बैत को जो है वो रद्द कर दिया। ये जो है जनाब जहरा के लिए इसलिए फरमा दिया बेटी थी, अली के लिए यूं फरमा दिया दामाद थे, हसन हुसैन के लिए ये इसलिए रिवायात आ गई कि नवासे थे, सही है। बिदतों का जो है वो सबसे बड़ा बिदतों का राइज करने वाला वो यही है कि जो कहता है कि ज़ियारत बिदत है, सफ़र करना जो है वो मज़ारात मुक़द्दसा की तरफ बिदत है, गिरिया करना बिदत है, इसी मज़हब को जो है अब्दुल वहाब ने हाईजैक करके आगे बढ़ाया। तो इब्ने तैमिया ही का मज़हब है जो वहाबी मज़हब है, सही ना, सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इब्ने तैमिया का मज़हब है। अब ये इब्ने तैमिया क्या कह रहा, इब्ने तैमिया अम्मा अली इब्न हुसैन फमिन किबारित ताबईन व सादात हिम इल्मन व दीनन, अली इब्न हुसैन जो है ताबईन के ज़माने में थे और बुजुर्ग ताबईन में से, देखिए उलमा अहले सुन्नत में से है, मैं अपने उलमा का बयान नहीं कर रहा हूँ, ताबईन में से थे, चलिए इसने ताबईन में से लिखा कि ताबईन में से थे, वह सादात हिम और उनके सैयदो सरदार थे ताबईन के। अब यहां आकर के इम्तियाज कर दिया, सही ना, अगर ताबईन में से होते तो उनके जैसे होते, लेकिन लफ्ज सादात कह करके फिर एक मरतबा मुमताज बना दिया कि ताबईन के भी सैयदो सरदार थे। किस हैसियत से, इल्म में और दीन में। तो भैया इमामत कहां है दुनिया में, खाली थोड़ी है, इल्म में है और इल्म में भी दीन में और तकवे में है। और फरमाइए जरा सुना तो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी कॉल सुन लीजिए, काला इमाम उज़्ज़हबी, ये इमाम उज़्ज़हबी बड़े नक़ाद गुजरे हैं, बड़ी तनकीद करते हैं और हदीसों को सही और गलत करार देते हैं, सहाय सित्ता की सारी हदीसों पे इन्होंने नोट लगाया कि ये हदीस क्यों ज़ईफ़ है, ये हदीस क्यों हसन है, ये हदीस क्यों सही है, वो सब नोट लगाएं। इसका मतलब ये है कि कोई छोटा मोटा आलिम नहीं है, कोई मामूली आलिम नहीं है कि जो सारी सहाय सित्ता पे नोट लगा चुका हो, सही है। इसका मतलब वो सिलसिला रुवात को जानता है और उसे ये मालूम है कि कौन सी रिवायत सही है और कौन सी गलत है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के तर्जुमा करते वक्त आपकी सीरत के बयान में ये लिख रहे हैं कि काला इमाम ज़ैब रहमहुल्लाह ताला व कान लहू जलालतुन अजीबा, सैयद सज्जाद की जो जलालत थी, जो कदर मंजिलत थी, वो बड़ी अजीब।
मैं ताज्जुब कर रहे हैं कि इतनी जलालत का इंसान, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी तारीख के अंदर। जलालतुन अजीबा वहुक्का लहू वल्लाह ज़ालिक, और ये हक था उनका कि ये जलालत उनको इस उम्मत में मिलती, ये हक था। खुदावंद आलम ने उनके लिए ये मुहैया कर दिया था कि वो इसी जलालत के मालिक बने। फ़कद कान अहलन लिल इमामतिल उज़्मा, बात ख़त्म हो गई। फ़कद कान अहलन लिल इमामतिल उज़्मा, अब मुझे नहीं मालूम कि उलमा अहले सुन्नत इस इमामत उज़्मा से मुराद क्या लेते हैं। गौर फरमाइए ज़रा, कह रहे हैं कि कान अहलन लिल इमामतिल उज़्मा, और आप बड़ी इमामत के अहल थे, तो ये छोटी बड़ी इमामत क्या होती भाई जी। इमामत उज़्मा, इमामत उज़्मा के अहल थे, तो एक है इमामत मस्जिद की, क्यों लगाना पड़ा ये लफ्ज़ उज़्मा का? गौर फरमाइए ज़रा, ये उज़्मा का लफ्ज़ क्यों लगाया इमामत उज़्मा? क्योंकि एक है मस्जिद की इमामत, इमाम जुमा वल जमात, इमाम जमात, सही है ना, वो एक छोटी इमामत है, उसे भी छोटी नहीं समझिएगा, आपके और हमारे लिए बड़ी है वो भी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमामत के ओहदों के एतबार से छोटी इमामत है कि उसे सिर्फ मस्जिद के अंदर काम करना है, एक मुख्तसर से एरिए में काम करना है, और इससे बड़ी इमामत है काहे की नकले रिवायात की, नकले रिवायात, नकले अहदीस, नकले फरामीन, वो इससे बड़ी इमामत है। अब ये इमामत उज़्मा क्या है? ये इमामत उज़्मा अगर आप देखेंगे तो अक्सर उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि इमामत उज़्मा जहाँ लफ्ज़ आता है वहाँ मुराद है खिलाफत रसूल, खिलाफत रसूल यानी इमामत इलाहिया। तो ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो अहलियत थी वो थी कि आपको खलीफा होना चाहिए था, आपको इमाम होना चाहिए था, इमामत उज़्मा पे फाइज होना चाहिए था। अमा ये खाली एक की बात नहीं है, ये तो जितने भी हैं, चाहे पहला अली हो, चाहे बीच का अली हो, चाहे आखिरी अली हो, ये सब अली अली ही हैं, और ये सब खिलाफत रसूल के मुस्तहक थे। ये एक अलग बात है कि ना सैयद सज्जाद को खिलाफत दी गई और ना हजरत अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज ये एक गाड़ी जो है चर्च के गेट पे खड़ी हुई है, यूपी 16BB6737 फॉर्चूनर है, प्लीज उसको हटा लें अगर अपने में से किसी की है तो, फॉर्चूनर गाड़ी। थैंक यू। बस अजीजाने गिरामी, तो ये उलमा अहले सुन्नत अखवाल बहुत हैं लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैंने 10 मिनट लिए हैं और ये 10 मिनट की ताखीर मेरी तरफ से है, इसकी माजरत मैं आपसे कर रहा हूँ। बस अजीजाने गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अगर एक नज़र उलमा अहले सुन्नत को दोबारा से पढ़ा जाए तो यकीन जानिए पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। बस उलमा अहले सुन्नत को पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि सारे आइम्मा के सिलसिले में हम उन्हीं के हवालों से ये साबित कर सकते हैं कि अगर हम सैयद सज्जाद को अपना इमाम मानते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उनको अपना इमाम मानते हैं। अगर हम इमाम मोहम्मद बाकिर को इमाम मानते हैं तो अहले सुन्नत बुज़ुर्ग उलमा भी इमाम मोहम्मद बाकिर को इमाम मानते हैं। उनमें और हमारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था कि शिया जो हैं वो सियासी काफिर हैं, वैसे ही वहाँ खलीफा भी सियासी खलीफा हैं, दीनी नहीं हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भैया जो अहले बैत के खिलाफ खलीफा है ना सर, वो भी सियासी खलीफा है, ये अहले सुन्नत खूब जानते हैं, समझ रहे कि ये सियासी हैं और ये दीनी हैं, सही ना। खलीफा उनको मानते हैं सियासी एतबार से, कभी दुआ नहीं करते खुदा इनके साथ हमारा शुमार करे, दुआ करते इन्हीं के साथ जिन्हें खिलाफत नहीं मिली। सलाह करे मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुआ इनके साथ। और इंशाल्लाह कभी तो अजीजाने गिरामी, जैसे हम सियासी काफिर हैं, मुशरिक हैं, वैसे वो सियासी खलीफा हैं। और ये कल के जुमले को मैंने यहाँ ला करके थोड़ा सा मजबूत कर दिया, हम सियासी काफिर हैं, वो सियासी खलीफा हैं, सही है। सियासी इमामत उनके पास है, दीनी इमामत अहले बैत के पास है।
अक्सर उलमा की ये दुआएं मौजूद हैं उलमा अहले सुन्नत की, मेरे महबूब तू हमें अहले बैत के साथ शुमार करना। तो जब खलीफा वो हैं तो शुमार इनके साथ क्यों हो रहे हो है? शुमार की दुआ आप आखरत में इनके साथ रहना चाहते हो क्यों? अबू हुरैरा बता गए ना कि नमाज अली के पीछे, नमाज अली के पीछे पढ़ो और खाना माविया के दस्तरखान पे खाओ, सही है ना। तो अबू हुरैरा बता गए तो इन्हें सबको पता है कि जब अबू हुरैरा भी जानते थे कि दस्तरखान का मजा माविया के साथ है और इबादतों का मजा अली के साथ है, तो भैया दस्तरखान दीन में नहीं है, इबादतें दीन का जुज है। सलाम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजान गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सिलसिले इस्मत व इमामत की चौथी कड़ी, ऐसे हालात में इमामत मिली, ज़ाहरी इमामत, ऐसे हालात में आप अपने यानी खिदमत इमामत पे फाइज हुए कि जिन हालात में अपने आप को संभालना भी मुश्किल था। आप सोचिए कि इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए आए, बेटे को जो है वो हालत गशी में देखा, एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा से कहा, बहन ए मेरी माँ जाई सैयद सज्जाद का शाना तो हिलाओ, सैयद सज्जाद को जगाओ, सैयद सज्जाद का शाना हिलाओ। बहन में कुछ वसीयतें अपने लाल के सुपुर्द करना चाहता हूँ। वो वसीयतें क्या थी? इमामत, इमामत को अपने लाल के सुपुर्द करना चाहता हूँ। अब जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मरतबा शाना हिलाया, सैयद सज्जाद ने आँखें खोली। अब जो आँखें खोली तो सामने एक ऐसा ज़ईफ़ खड़ा हुआ था जिसके जिसका लिबास लहूलुहान था, जिसकी दाढ़ी पे लहू लगा हुआ था, दाढ़ी सफ़ेद थी। एक मरतबा तड़प गए, दोबारा से गशी की सी हालत हो गई। फूफी अम्मा ये कौन है जो सामने, यानी गशी से पहले इमाम के सामने थे ना, इमाम अपने बाबा के साथ थे, लेकिन जितने टाइम में मेरे मौला ने 70 जनाजे उठा लिए ना, उतने टाइम सैयद सज्जाद गशी में थे, ताकि जिहाद जो है सैयद सज्जाद पे वाजिब ना हो। बाजी से करता पूछा, फूफी अम्मा ये मेरे सामने कौन खड़ा, ये कौन है कि जिसका लिबास लहू लहान है, जिसके दाढ़ी पे जो है वो लहू लगा खून लगा हुआ है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा पहचाना नहीं, आपके बाबा हुसैन, आपके बाबा हुसैन है। बस एक मरतबा जैसे ये जुमला सुना, एक मरतबा जहन कहीं नहीं गया, बस सीधा जहन गया, भैया अकबर क्या हुए? अगर बाबा की हालत है तो भैया अकबर क्या हुए? चचा अब्बास कहाँ गए? आनो मोहम्मद कहाँ है? असहाबे बावफा कहाँ? एक एक को पूछने लगे। इमाम सर झुकाए बेटे के सामने खड़े हैं। एक मरतबा जनाबे इमाम हुसैन ने देखा कि सवाल बढ़ता जा रहा है, एक जुमला कहा, मेरे लाल अब मर्दों में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, अब मर्दों में मेरे लाल तुम्हारे और मेरे अलावा कोई बाकी नहीं है, किस किस को बताएं कि कत्ल कर दिए गए। लिहाजा मौला ने मुख्तसर करके कहा कि मर्दों में मेरे और अलावा, मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। बस सैयद सज्जाद खड़े होना चाहते थे, फूफी अम्मा हमारी तलवार तो दीजिए। मैं एक मरतबा मेरे मौला ने बाजू पकड़ लिया, मेरे लाल तुम्हारे लिए तो इससे बड़ा जिहाद है, मेरे लाल ये जिहाद तो यहां खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए इससे बड़ा जिहाद है। बाबा वो कौन सा जिहाद? मेरे लाल अरे ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम नबी की नवासियां बेमकनो चादर होंगी, तुम इन बीवियों के साथ कूफा और शाम के बाजारों में दरबारों में जाओगे। मेरे लाल मुझसे भी बड़ा जिहाद वो है, अपने आप को उस जिहाद के लिए तैयार करो। लो अजीजो इधर इमाम आखिरी रुख्सत करके चले गए, उधर सैयद सज्जाद को फिर गशी की हालत हो गई। अब जो है जिस वक्त जो है वो करबला में आवाज बुलंद हुई, अला कद कोतल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ोबे अल हुसैन बे करबला। बस जैसे ही आवाज जनाब ज़ैनब कुबरा ने सुनी, दौड़ी हुई आई, वो मकाम देखा ना जिसे टीले ज़ैनबिया कहते हैं, टीले ज़ैनबिया पे आई। वहां आने के बाद क्या देखा? अरे शिमर माजाए के सीने पे बैठा हुआ खंजर चला रहा है। वो फरियाद करना शुरू की, ए पिसरे साथ, अरे तू खड़ा देख रहा है फरजंदे रसूल को ज़िबह किया जा रहा है। ये मंजर देख के दौड़ी वापस आई, सैयद सज्जाद ये बताओ कि अब हम क्या करें? अब जो दोबारा आंख खुली तो अजीब मसला सामने था, सरों पे चादरें न थी, एक
मर्तबा सैयद सज्जाद से पूछ रही ज़ैनब, बेटा नंगे सर बाहर जाए या खेमे में जल के मर जाए। भाई अपनी इमामत का पहला मसला बयान किया, ए फूफी अम्मा पर है ना सर खेमों से निकल जाओ, जान का बचाना वाजिब है। अरे सैयद सज्जाद ने ये कह तो दिया, मुझे नहीं पता क्या गुजर गई होगी। अरे जहरा की बेटिया सैयद सज्जाद की मौजूदगी में बेमकनौ चादर ना महरमों के सामने खेमों से जा रही थी। सैयद सज्जाद तड़प रहे थे, ए मेरे माबूद तेरा दीन बच जाए, ये कुर्बानियां हाजिर। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से मरहूमीन के दर्जात में इजाफा फरमा। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे महबूब जहाँ जहाँ मोहिब्बान अहले बैत हैं उनकी जान माल इज़्ज़त नामोस की हिफाजत फरमा, आज़ादारी और आज़ादारों की और इमाम बारगाहों की हिफाजत फरमा। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, करबला और तमाम ही मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। करबला में जो आज़ादारान इमाम हुसैन ज़ुव्वारे किराम जमा हो रहे हैं अरबईन के लिए जा रहे हैं, मेरे महबूब उन सभी की हिफाजत फरमा। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएं मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएं। मेरे महबूब हमारे नाम आमाल में नेकियाँ कम हैं गुनाह ज़्यादा हैं, हमें आखरत में मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफात से महरूम न करना। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे महबूब ईरान इराक़ हिज़्बुल्लाह सभी की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, मराजे किराम की हिफाजत फरमा, हमारे दरमियान जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल वाजिल अता फरमा, जो बेकारोबार उन्हें कारोबार अता फरमा, जो कारोबार रखते हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा, हमारे जवानों नौजवानों को इलूम दीन और दुनिया से मुज़य्यन फरमा, दूसरी कौमों के शाना बशाना तरक्की के रास्तों पर गामज़न फरमा। बाहला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके गुलामों में फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अपने मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात बिलखुसूस जो लावारिस चले गए और शोहदा इस्लाम सभी को नियत में रख करके इसाल फरमा।